अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे फैक्ट्रियों में नकली मीट तैयार किया जाता है। अगर आप भी चिकन खाने के शौकीन हैं तो हमारा ये वीडियो आपके लिए ही है, जिसे देखकर आप ये समझ जाएंगे कि जो चिकन आपको खाने के लिए दिया जा रहा है कहीं वो नकली तो नहीं है, सही भी है या नहीं। दोस्तों अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं इसे सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों दुनिया भर में वेज और नॉन वेज की लड़ाई चल ही रही थी, तो उधर साइंटिस्ट ने बड़ा कारनामा कर दिया और दुनिया के सामने खाने की प्लेट में ये कारनामा परोसा भी जाने लगा है। ना हलाल ना हराम, इस कारनामे का नाम है क्लीन मीट, यानी ऐसा साफ सुथरा मीट जो लैब में तैयार किया जा रहा है। और क्या वाकई में ये मीट है भी, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों दरअसल ये ऐसा गोश्त है जिसे पाने के लिए किसी जानवर को मारना नहीं पड़ता। इसके दूसरे भी कई नाम हैं, जैसे लैब मीट, कल्चर मीट, इन विट्रो मीट। वैसे इसे लैब मीट कहना ही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये मीट पूरे तरीके से लैब में ही तैयार किया जा रहा है। इसे कुछ लोग क्लीन मीट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसे बिना किसी खून खराबे के हासिल किया जा सकता है। ऐसे मीट को बनाने के लिए लैब में किसी जानवर के सेल को बनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मीट को लैब में कैसे बनाया जाता है, तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले जिस जानवर का मीट बनाना होता है, जैसा कि मुर्गा, भैंसा, बकरा वगैरह, इसके टिश्यू लिए जाते हैं। ये इस जानवर के गोश्त का ही छोटा टुकड़ा होता है। उसके बाद इस मीट को एक खास तरीके से फिल्टर करते हैं। इसके बाद इसे खास टेम्परेचर, प्रॉपर ऑक्सीजन और माहौल दिया जाता है। सेल्स के बढ़ने का प्रोसेस शुरू किया जा सके, लैब में उसको वैसी ही फीलिंग दी जाती है कि जैसे ये जिस्म में ही है जहाँ से इन्हें निकाला गया है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ने लगता है और लैब में मीट की तरह ये तैयार हो जाता है। दोस्तों सिंगापुर ऐसा पहला मुल्क है जिसने एक साल पहले क्लीन मीट को बेचने की परमिशन दे दी थी। और वहाँ जिस मीट को बेचने की परमिशन दी गई है वो नगेट की तरह का है, मतलब मीट का बना एक पकोड़े जैसा। लैब में मीट बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, ऐसे में मटन रोस्ट के बारे में सिर्फ सोचा ही जा सकता है। ऐसा ना हो पाने की सबसे बड़ी वजह ये है कि फिलहाल जो भी मीट लैब में तैयार किया जा रहा है वो जिस्म के किसी खास हिस्से को लेकर बनाया जा रहा है, और जब ये तैयार हो जाता है तो इसमें ना तो मसल्स होते हैं और ना ही हड्डियाँ। दोस्तों असली मीट में हड्डियाँ होती हैं और वो काफी सख्त होता है, लेकिन इसकी निस्बत जो मीट लैब में तैयार होता है वो बहुत ढीला होता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या ऐसे मीट को खाना सेफ है। दरअसल अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को की कंपनी ईट जस्ट सिंगापुर में बना लैब का मीट सप्लाई कर रही है। इस कंपनी का दावा है कि ये मीट पूरी तरह से सेफ है, इसमें किसी भी तरह का केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि ये कंपनी पहले ही अमेरिका की मार्केट में फेक अंडे का सिरप बेच रही है। इसे जस्ट एग नाम दिया गया है। ये फेंटे हुए अंडे जैसा एक सिरप होता है जिससे ऑमलेट जैसी कई डिशेस बनाई जा सकती हैं। दोस्तों ये अंडे का सिरप पूरी तरह से प्लांट बेस है, मतलब इसमें भी किसी तरह के जानवर का इस्तेमाल नहीं किया गया। दोस्तों मीट के मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर जानवर पाले जाते हैं और इन्हें बड़ा करने के लिए इनको खुराक दी जाती है। दोस्तों 2013 में पहली बार लैब में बने मीट से बर्गर तैयार किया गया था। उस वक्त इस एक बर्गर को बनाने के लिए 2.5 लाख यूरो की लागत आई थी, यानी एक बर्गर के लिए 2 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा आया था। तकरीबन 6 साल तक होने वाली रिसर्च के हिसाब से अब इसी एक बर्गर की कीमत 10 से 12 यूरो तक आ गई है। ये अब भी नॉर्मल मीट से बने बर्गर से कई ज्यादा महंगा है। वैसे दोस्तों जहाँ तक सिर्फ चिकन का सवाल है, क्या आपको पता है कि आज के वक्त में हर रोज दुनिया भर में तकरीबन 13 करोड़ मुर्गे काटे जाते हैं। दोस्तों क्या आपने सोचा है कभी कि इतनी ज्यादा डिमांड को पूरा कैसे किया जाता है। दोस्तों जिस तरह सब्जी को प्रॉपर तैयार होने में 4 से 5 महीने का वक्त लगता है, ऐसे ही चिकन को भी बड़ा होने में नेचुरली अच्छा खासा वक्त लगता है, जिसके लिए काफी वक्त दरकार होता है। लेकिन इन्हें वक्त से पहले ही सिर्फ 2 महीने में ही हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगाकर मोटा ताजा बना दिया जाता है और फिर खाने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों पोल्ट्री फार्म में चूजों को ऐसे केमिकल्स और लिक्विड्स दिए जाते हैं जिससे इनकी ग्रोथ कई गुना तेजी से बढ़ती है, और चूजे सिर्फ 2 महीने में ही पूरी तरह से एडल्ट और मैच्योर हो जाते हैं। कुछ दवाइयाँ तो ऐसी भी होती हैं जिससे ये चूजे सिर्फ 35 दिन में तैयार हो जाते हैं। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो अब हम आपको बताएंगे कि दरअसल मुर्गों को ऐसे केमिकल वाले इंजेक्शन पूरी दुनिया में खुले तौर पर लगाए जाते हैं। लोग खुले तौर पर ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं और इस काम में लाखों रुपए कमा रहे हैं। इन मुर्गों को दी गई दवाइयाँ काफी खतरनाक साबित हो रही हैं। आजकल लोगों में थकान, चिड़चिड़ापन, दिन भर बेजान सा महसूस करना आम हो चुकी हैं।
इसके अलावा हड्डियों में दर्द महसूस होना बहुत आम हो गया है। ये सब कुछ इस चिकन की वजह से ही हो रहा है। अगर यही चिकन एक छोटे बच्चे को भी खिलाया जा रहा हो तो उनकी ग्रोथ भी काफी तेजी से होगी। इस वजह से बच्चों में कई बीमारियां हो सकती हैं। कई बार तो मुर्गियों को फ्लू और दूसरी कई बीमारी से बचाने के लिए इनको एंटीबायोटिक और इंजेक्शन दिए जाते हैं, लेकिन वो मुर्गियों को तो बीमारियों से बचा लेती हैं, लेकिन उन लोगों की बैंड बजा देती हैं जो इस चिकन को खाते हैं। दोस्तों, अगर आप सेहत भरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो सिर्फ देसी मुर्गियां ही खाया करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।